हेलो दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल बीसीसीआई ने इम्पैक्ट रूल के लिए एक बहुत ही कड़ा फैसला लिया है। मैं बताना चाहूँगा, बीसीसीआई ने जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है वो हटा दिया है एक घरेलू टूर्नामेंट में जो इंडिया में खेला जाता है, और इस जो है टूर्नामेंट का नाम है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। वहाँ से ये जो क्रिकेट का नियम है ना, इम्पैक्ट रूल, वहाँ से ये इसको हटा दिया गया है। बीसीसीआई ने कल प्रेस में ये इंटरव्यू दिया है कि ये रूल अब से जो घरेलू टूर्नामेंट में वहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन ये जो आगामी जो आईपीएल के टूर्नामेंट है 2025 में, वहाँ पर ये चलता रहेगा। उसके बाद अगला फैसला लेंगे कि वहाँ से भी हटाना चाहिए या नहीं। मैं बता देना चाहूँगा कि जो इम्पैक्ट रूल का जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल है, ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से ही आया था। 2023 में बीसीसीआई ने यहां पर ट्रायल किया था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इंपैक्ट प्लेयर का, और वहां पर ये ट्रायल जो है कामयाब हुआ था। उसकी वजह से 2023 में कामयाब होने की वजह से आईपीएल में आया 2023, और 2024 में भी आईपीएल में आया। लेकिन कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हुई इसके लिए, कई जो दिग्गज प्लेयर हैं उन्होंने काफ़ी इसका विरोध किया, जिसमें रोहित शर्मा भी आते हैं, और अक्षर पटेल ने तो साफ साफ एक इंटरव्यू में इम्पैक्ट प्लेयर को बिल्कुल ही नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि इससे ऑलराउंडर की जो भूमिका है बहुत कम हो जाती है, और इंडिया में जो है ये ऑलराउंडर पैदा होने की क्षमता है वो जीरो के ना बराबर हो सकती है, क्योंकि फिर जो आने वाले जो प्लेयर हैं जो आईपीएल या फिर घरेलू टूर्नामेंट में खेलना चाहते हैं, वो अपने ऑलराउंड के प्रदर्शन की बजाय वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन या बॉलर बनेंगे। अब मैं बताता हूँ ये इम्पैक्ट रूल क्या है। इम्पैक्ट प्लेयर रूल है, इसमें क्या होता है कि आपकी प्लेइंग इलेवन तो खेलती खेलती है, लेकिन अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग खेले तो आपकी जो है प्लेइंग ट्वेल्व भी खेल सकते हैं। जैसे कि मैं एक प्लेयर हूँ, मैं मान लो एग्जाम्पल मैं अपने पे लेता हूँ, मैं बैट्समैन हूँ, मैं अच्छी बैटिंग कर ली, मान लो एक मैच में किसी T20 मैच में मैंने मान लो 50 रन मार दिया। अब पता है कि अब मैं बॉलिंग तो कर नहीं सकता, मैं स्पेशलिस्ट बैट्समैन हूँ, तो मुझे सब्सटीट्यूट करके किसी स्पेशलिस्ट बॉलर को खिला लेंगे, वो मेरी वहाँ फील्डिंग भी नहीं आएगी लेकिन वो बॉलर खिला लेंगे, और वाइस वर्सा अगर बॉलिंग मैंने अच्छी की और मेरा वहाँ पर स्पेल खत्म हो गया, फिर सेकेंड इनिंग्स में मुझे सब्सटीट्यूट करके किसी दूसरे स्पेशलिस्ट बैट्समैन को खिलाने जाएंगे। तो यहां पर एक दिक्कत पैदा हुई कि यहां पर ऑलराउंडर की जो भूमिका थी एक तरीके से बहुत खराब हो गई, एक तरीके से शून्य हो गई ऑलराउंडर की भूमिका। क्योंकि आप देखना चाहोगे कि पिछले 2024 में जो आईपीएल हुआ था, तभी वहां पर बड़े बड़े और लंबे स्कोर्स बने थे, इसी की वजह से इंपैक्ट प्लेयर रूल की वजह से। और अक्षर पटेल, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो उन्होंने तो काफी इसका विरोध किया। इवन अक्षर पटेल ने काफी जो है क्रिकेट के पंडित या फिर एक्सपर्ट, उन्होंने भी इसका पूरी तरह से विरोध किया है। तो हालांकि बीसीसीआई ने सिर्फ एक घरेलू टूर्नामेंट से इसको हटाया है, लेकिन आगे वाले आगे जो टूर्नामेंट आएंगे, जैसे आईपीएल में ये रूल रहेगा, लेकिन वहां से भी ये हट सकता है, क्योंकि ये ऑलराउंडर के लिए एक तरह के से मौत है ऑलराउंडर के लिए इम्पैक्ट प्लेयर रूल, क्योंकि आपको स्पेशलिस्ट बैट्स और बॉलर खिलाने की जरूरत है और आपको एक एक्स्ट्रा प्लेयर मिलेगा इससे। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैसला है बीसीसीआई का, यहां पर नहीं रुकना चाहिए बल्कि इसको पूरा ही इंपैक्ट प्लेयर को खत्म कर देना चाहिए। बल्कि जो बीबीएल में होता है ना, एक और रूल होता है, वो मैं पढ़ के देखा, मुझे याद नहीं आ रहा, सर्ज सर्ज पावर प्ले, वो टेक्निक अपनानी चाहिए बीसीसीआई को। तो बहुत अच्छा फैसला है, आने वाले टाइम में और इससे भी कड़े फैसले लेंगे। तो ऐसे ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।